हेलो गाइस, वेलकम टू विज्ञान 2020। मैं हूं सनल सर। आज तुम लोगों के लिए एक बेसिक रूल्स जो हम लोग हर चैप्टर में यूज करते हैं वो लाया हूं, बेसिक रूल्स। अब यहां पे बेसिक्स रूल्स क्या है? ये रूल्स है मल्टीप्लीकेशन का। ये रूल्स है मल्टीप्लीकेशन का, ज्यादा करके ये होता है यूज स्टैंडर्ड 7 से, 7th, 8th, 9th और 10th में। क्या रूल है देख लेना। ये रूल ऐसा है, ये माइनस इक्वल टू का उस तरफ जाता है तो क्या होता है प्लस, प्लस इक्वल का उस तरफ जाता है तो क्या होता है माइनस, डिवीजन इक्वल का उस तरफ जाता है तो मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन उस तरफ जाता है तो डिवीजन। सेम रिवर्स भी यही है। दिस इज द रूल्स ऑफ बेसिक। अब ये कहां पे यूज करता है? इट इज यूज इन प्रॉफिट एंड लॉस, फिर परसेंटेज और बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब ये यूज होते हैं। तो यहां पे तुम लोग को बेस्ट पॉइंट है, क्या पॉइंट है मालूम है? फ्रॉम जीरो टू हीरो बन सकता है अगर तुम लोग ने मेरा बेसिक फाउंडेशन कोर्स पूरा देख लिया होगा तो। यू विल बिकम फ्रॉम जीरो टू हीरो, तो ध्यान देना ये बात। अब मैं तुम लोग को क्या बता रहा हूं यहां पर कैसे सॉल्व करने का। यहां पे कुछ इक्वेशंस है जो मैं तुम लोग को डाल के देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पी माइनस 20 इज इक्वल टू 60। अब इसको सॉल्व करना है तो ये माइनस है, मैंने बताया लास्ट लेक्चर में भी, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर रहेगा उसका साइन रहेगा, यानी कि 20 का साइन क्या हुआ माइनस, ये माइनस इक्वल टू का उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा प्लस। Therefore, I can say P is equal to 60 plus 20. Therefore, P is equal to what? 80. ये रूल है, ये रूल लागू करना है, यानी कि यूज करने को आना चाहिए। ध्यान में रखना, हमेशा कोई भी नंबर हो, नंबर का लेफ्ट हैंड साइड चेक करने का, उसका हम लोग को मिलेगा साइन। क्या मिलेगा हम लोगों को? साइन। वो साइन को उसके हिसाब से यूज करना, ठीक है गाइस। वी विल सी विद द नेक्स्ट सम। इसी में मॉडिफिकेशन है, मैं वो बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, अब सेकेंड सम, पी प्लस 20 इज इक्वल टू 60। अब भाई सब प्लस है, प्लस उस तरफ गया तो क्या होगा माइनस, पी इज इक्वल टू 60 माइनस 20, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 40। यहां पे कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करता है और वो मिस्टेक में टीचर क्या करता है वो भी देख लेना। P plus 20 is equal to 60. P is equal to 20 minus 60 लिखते हैं या फिर 20 plus 60 लिखते हैं। अब यहां पे प्लस है उस तरफ जाता तो माइनस, ये ऐसा नहीं करने का। जो भी हम लोग यहां से नंबर उठाते हैं और उस तरफ लेके जाते हैं, जो यहां पे इक्वल टू का पहला नंबर पड़ा उसके बाद डाल देगा। ये अब यहां पे सॉल्व करेगा, तुम लोग को मिलेगा आंसर 40, पर टीचर बहुत इज्जत में ऐसा रॉन्ग डालेगा और वहां पे तुम लोग को एकदम प्यारा सा ऐसा अंडा डाल के देगा, है ना। और तुम लोग बोल जाए, अरे टीचर मेरा तो आंसर राइट है, उसको भी 40 मिला, मेरे को भी 40 मिला, टीचर राइट है। क्या मेथड राइट है? ध्यान में देना, ये मेथड राइट नहीं होता। इसके लिए हमारा मार्क्स वहां पे टीचर काटा जाता है। इज दैट क्लियर गाइस? अब हम लोगों को नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट सम मेरा डिवीजन है। अब डिवीजन कैसा? P अपॉन 20 इज इक्वल टू 60। पी अपॉन 20 इज इक्वल टू 60, ये है डिवाइड। जब डिवाइड है तो क्या है मेरा, क्या उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। 60 इंटू 20, दैट इज 6 × 12 और 00, दैट्स इट, खत्म। 1200, सिंपल है। यहां पे बहुत ये सिंपल है। इसके बाद वापस है हम लोग का लास्ट जो है मल्टीप्लीकेशन है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिविजन। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आता है तुम लोग को 20p इज इक्वल टू 60। अब बच्चे लोग पूछेगा, सर यहां पे मल्टीप्लीकेशन किधर आया? ध्यान देना गाइस, 20 के बाद यहां पे कुछ नहीं दिया है, इसका कहने का मतलब है मल्टीप्लाई। जब कुछ नहीं बोला गया है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। इसके बारे में बाद में बताता हूं तुम लोग को। इज इक्वल टू 60, ये मल्टीप्लीकेशन उठ के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिविजन। P is equal to 60 upon 20, 0 0 got cancelled to 1s,
टू थ्री इज अ देयरफॉर पी इज इक्वल टू थ्री. ये है रूल्स ऑफ व्हाट, बेसिक रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन. यहां पे तुम लोगों को बहुत तकलीफ होगा और टीचर्स बहुत इज्जत में मार्क्स काट के देते हैं. इसके सिवा हमारे पास और एक है, दैट इज नथिंग बट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. यही फॉर्मेट है पर इसमें थोड़ा सा और चेंजेस है. क्या चेंजेस है ध्यान देना है यहां पे. रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्या माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस. अब ये रूल कहां पे यूज होता है? ये रूल काफी जगह पे यूज होता है जहां पे आप लोग का मैक्स होता है. ये सब करने से गाइज यू कैन बिकम हीरो फ्रॉम जीरो. समझ में मैंने क्या बोला? जीरो से तुम लोग हीरो बनेगा स्कूल में अगर तुम लोग मेरा बेसिक फाउंडेशन कोर्स देख के करता है तो. तो गाइस यहां पे क्या है मैं बताता हूं. ये माइनस 20 इंटू माइनस 5. अब ध्यान देना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. यानी कि 20 इंटू 5 इज नथिंग बट 100. क्या मुझे ये प्लस साइन डालने का जरूरी है? नहीं डालने का जरूरी है. इट इज अंडरस्टूड इट इज पॉजिटिव इटसेल्फ. इसके बाद आता हूं मैं काफी दूसरे सम पे भी. नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन का. मेरा 20 इंटू 5 यहां पे साइन नहीं दिया है, साइन यहां पे नहीं दिया है. इट इज अंडरस्टूड व्हाट इट इज अंडरस्टूड कि भाई साहब यहां पे कुछ नहीं रहेगा तो ये साइन क्या होगा? पॉजिटिव. प्लस इंटू प्लस इज नथिंग बट प्लस. आंसर प्लस में ही रहेगा 100. नेक्स्ट माइनस, फॉर एग्जांपल माइनस 20 इंटू 5. अब यहां पे माइनस है, यहां पे कुछ नहीं दिया तो प्लस है. माइनस प्लस बिकम्स माइनस. 20 टू 5 इज नथिंग बट 100 माइनस 100. यही चीज होता है कहां पे? यहां पे भी 20 इंटू माइनस 5. प्लस माइनस माइनस, 20 इंटू 5 100 माइनस 100. अब यहां पे कोई कोई बच्चे जो रूल है, एक और रूल है, रूल्स यहां पे प्लस और माइनस का है, वो भी मैं बताता हूं कहां पे ये बच्चे यहां पे यूज करते हैं. सर 20 का साइन बड़ा है, प्लस है तो यहां पे प्लस आना चाहिए. नहीं गाइस यहां पे ऐसा नहीं आता है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आता है जो मैंने लास्ट लेक्चर यानी कि लास्ट वीडियो में बताया था, जो तुम लोग का क्या रहता है प्लस और माइनस में आता है. वहां पे हम लोग बड़े नंबर का साइन देखते हैं. रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ हम लोग साइन को मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर निकालते हैं. ठीक है गाइस, अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तुम लोगों का काम क्या है? सिर्फ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बाजू में बड़ा बेल आइकन उसी को भी दबाना ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और मैं अगला एडवांस लेवल का तुम लोग के साथ कुछ लेके आओ जो तुम लोग का डिविजन में भी है. अगर तुम लोग को अच्छा लगा तो एडवांस लेवल ऑफ डिवीजन. ठीक है गाइस, सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.